अम्मा, अम्मा आप भी कैसी हैं? बस ठीक ही है, मगर मगर जरा क्या? माथे पे चोट लग गई है उसको। कैसी? कह रही थी कि यहाँ से जाते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये तो बहुत बुरा है अम्मा। अब कैसी है वो? ठीक थी, मगर हम लोग उसको देख के बहुत घबरा गए थे। और वो शावेज? शावेज क्या बेटा? वो कुछ बदला बदला से लग रहा था। कहीं से किसी की चीखने की जोर जोर से आवाजें आ रही थी, किसी औरत की। हमने पूछा तो कहने लगा मेरी बीवी है, उसका जहनी तवाजुन खराब है। मगर उसने इतने रूखे अंदाज से बात की हम लोगों से कि मुझे और तुम्हारे अब्बा को बहुत बुरा लगा। कितना समझाया था ना मैंने आपको और अब्बा को, आप लोगों ने मेरी कोई बात नहीं मानी। अच्छा बेटा, अब तो जो हो गया सो हो गया, बस दुआ करो कि तुम्हारी बहन माँ खुश रहे, सुखी रहे, बस जाए उस घर में। मैं बहुत दुआ करती हूँ आप ही के लिए अम्मा। बड़ी फिक्र रहती है मुझे तमकीन की बेटा। सर, आफरीन ने ऐसा क्या किया है जो सुबह तुम उसे इस तरह कह रहे थे? किस तरह? बच्चा बनने की जरूरत नहीं है। तुम सबका रवैया उसके साथ कुछ अजीब सा हो गया है। जाहिर सी बात है शाला, अगर वो नौकरी छोड़ के घर पे बैठ जाएगी तो रवैया बुरा होगा ना उसके साथ। बस यही बात है। तो और क्या बात हो सकती है? यार देखो, इस वक्त मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे नींद आ रही, मैं सोना चाह रहा हूं। सुबह से उठा हूं यार। मैं आप ही को फोन करूं, उनका हाल पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं, उन्हें लगेगा मैं उनकी टोन में हूँ, पहले वो मुझसे इतनी बदगुमान रहती है। वालेकुम सलाम। मैं मस्जिद से नमाज पढ़ कर आ रहा था, रास्ते में रजा मिल गया। मैंने कहा आओ भाई घर, आप आ जाओ। बेटा हारून से कहना अब इन पैसों की मुझे जरूरत नहीं है। शुक्रिया उसका, तमकीन की शादी कर दी है और आफरीन की हम अभी कर नहीं रहे। जी बेहतर अंकल, तुम्हारी शादी करो अभी, मंगनी होगी जी तुम्हारी। मेरी मंगनी खत्म हो गई अंकल। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। बेहतर हुआ अंकल, मेरी मंगनी मेरी पसंद से नहीं होती, अम्मी ने जबरदस्ती करवाई थी, उनकी भांजी थी इसी। चलो अल्लाह को यही मंजूर था, किस्मत के फैसले होते हैं। अच्छा अंकल अब मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, कैसे जाते हो तुम, खाना खा के जाना। खाना अंकल अब क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं? अरे तकल्लुफ की क्या बात, इतनी दूर से मुझसे मिलने आए हो
और बगैर खाना खाए चले जाओ, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अफरीन, मेरा खाना। जी अब्बा। और जॉब कैसी जा रही तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र अंकल, बहुत अच्छी जा रही है। और वैसे ही अभी 2 से 3 दिन में कराची फिर से आना होगा। एक शॉर्ट कोर्स के लिए कंपनी मुझे यहाँ पे भेज रही है, 2 से 3 महीने के लिए। अच्छा, बस उसके लिए रिहाइश ढूंढ रहा हूँ, कोई आसानी से मिल जाए तो। ढूंढने की क्या जरूरत, घर है, यहाँ रहो आराम। नहीं अंकल, कैसे मैं आपके घर में? अरे माशाल्लाह अच्छा बड़ा घर है, गेस्ट रूम है, रह लेना रहना बस। नहीं अंकल। अरे क्या नहीं नहीं क्या होता बेटा, अगर बहुत बहुत तकलीफ है तो तुम चलो किराया दे देना। हाँ बेटा।